की जो भजन है ये जगन्नाथ कृष्ण को बहुत प्यारा भजन है। श्री जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ उड़ते हैं ना, इसी भजन को सुनकर ही जगन्नाथ जी उठते हैं। जब जगन्नाथ जी सोते हैं तब इसी भजन को सुनकर ही सोते हैं। जगन्नाथ जी की जो कपड़े, जो ऊपर में जो चादर है, अगर उसी चादर के ऊपर में ये कीर्तन लिखा हुआ होगा तब जगन्नाथ जी तभी वो चादर को ओढ़ते हैं। जगन्नाथ जी के गले में जो फूलों की जो माला है, उसी फूल माला को जगन्नाथ जी धारण करते हैं अगर उसमें ये भजन लिखा हुआ तो, नहीं तो जगन्नाथ जी नहीं धारण करते हैं। ये भजन की इतना प्रभाव है। ये भजन का नाम है मंगल गीत। क्या है? अगर ये मंगल गीत कहीं भी अपना कोई गृह प्रवेश हो, नहीं तो कोई शुभ काम हो, अगर ये भजन को बोल करके कोई भी आप अच्छे काम करोगे तो जरूर काम बनेगा ही, वो कभी काम बिगड़ेगा नहीं। इसलिए हमारे जो बड़े गुरु जी थे, जैसे जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, कोई भी तिथि हो, सबसे पहले ये भजन को गवाया करते थे। ये भजन को कहीं भी तुम्हारी घर में भी हो, शादी हो, नहीं तो बच्चे का बर्थडे हो, नहीं तो तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, नहीं तो गृह प्रवेश हो, अगर किसी काम में ये भजन को आप लोग गा करके कोई भी काम करोगे ना, वो काम जरूर बढ़िया बनेगा, उसमें कभी अमंगल नहीं आ सकता है। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल, ठाकुर जी का जो नाम है सारे अमंगल को ये दूर करने वाले, ये ठाकुर जी की नाम है। जगन्नाथपुरी में एक समय क्या हुआ, एक देवदासी होता है, इसका इकट्ठा कम कर दो, एक देवदासी होती है। कहते देवदासी कौन है? बोले जो माताएं स्त्रियां जिंदगी भर जो शादी नहीं करेगी, और जिसने केवल जगन्नाथ जी को ही अपना पति माने, उसका उधर जो रोड को थोड़ा खाली करके बैठो, वो परिक्रमा का मार्ग है, थोड़ी सी पीछे आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा परिक्रमा मार्ग को खाली करके रखो, थोड़ा सा छोड़ दो बस। हरे कृष्ण। हाँ बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। हाँ वहाँ पर देवदासी कौन है? क्या देवदासी वही है जो माताएं जिंदगी भर शादी नहीं करे और श्री कृष्ण को ही अपना जीवन का पति माने। कृष्ण ही हमारे पति है और जिंदगी भर शादी नहीं करके जो ब्रह्मचारिणी रहती है, हाँ ब्रह्मचारिणी रहती है, उनको देवदासी कहते हैं। वो क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को सामने बड़े सुंदर कवि जयदेव का जो गीत गोविंद ग्रंथ है, बड़े सुंदर भजन के ऊपर में जगन्नाथ जी को रिझाते हैं, जगन्नाथ जी को संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं, इसलिए वे उनको देवदासी कहा जाती हैं। जब तक ये जो भजन है, एक समय कोई देवदासी थी, एक समय वो बैगन तोड़ रही थी और ये भजन को गा रही थी, और ये भजन में किसका नाम है? भगवान कृष्ण का और राधा रानी की महिमा है। कहते ना राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, जोर से बोलो बिहारी। जहाँ राधा जी की नाम हो, कहते वहाँ बिहारी जी रह नहीं सकते, उनको भाग भाग कर गाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी कौन है? वो कृष्ण ही, लेकिन ये राधा रानी के प्रेम में द्रवीभूत तो होकर के कृष्ण ये जगन्नाथ जी के रूप उन्होंने धारण करके रखे हैं। तब उन्होंने ये भजन को गा रही थी, बैगन तोड़ रही थी, जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़ करके जगन्नाथ जी पहुंच गए वो बगीचा में जहाँ पर बैगन तोड़ रही थी, और जगन्नाथ जी वो जो देवदासी ये भजन को गा रही हैं और ये बैगन तोड़ रही हैं, और जगन्नाथ जी कृष्ण उनको पीछे 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 जगन्नाथ जी घूम रहे हैं, और बैगन का पेड़ में कांटा होता है, अभी वो कांटा से जगन्नाथ जी के शरीर और जो उनका पीताम्बर सबके सब फट गई, और जगन्नाथ जी चुपचाप आकर के मंदिर में सो गए। जब पुजारी सवेरे मंदिर खोला, देखा जगन्नाथ जी के सारे कपड़े फटे हुए, पीताम्बर और उनका शरीर में कांटा की खोरच सब दाग पड़ा हुआ। राजा भी परम भक्त हैं तो उन्होंने जगन्नाथ जी के चरण में लेट गए, ठाकुर जी ये किया। इतने में जगन्नाथ जी स्वप्न दिया, बोले देखो कोई दुख की बात नहीं है, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि एक देवदासी की जो भजन हम गा रहे हैं, इसका नाम मंगल गीत, ये भजन को गाते हुए वो कीर्तन कर रही थी, उसमें मेरी राधा रानी की और मेरी बड़ी सुंदर श्रृंगार और उसमें बड़े सुंदर मेरे महिमा हैं, और जहाँ पर राधा जी का नाम हो मैं तो भाग भाग कर पहुँचता हूँ, इसलिए
मैंने पीछे पीछे कीर्तन सुन रहा था, इसलिए मेरे शरीर में कांटा की दाग और ये जो दोपट है मेरे फट गई। कोई चिंता मत करो, मैं बड़े खुश हूँ क्योंकि उसमें राधा जी की महिमा उसमें गाई गई है। राजपुरी के राजा देखा ये भजन में इतने महिमा, कहीं अगर ये भजन हो जगन्नाथ जी भाग भाग कर पहुंचते हैं, तब वहां पर उन्होंने प्रचार अनाउंस मेट किया, बोले ये भजन को जहां तहां मत गाया करो, मना कर दिया। तब भी ये भजन को गाओ, अगर कहीं राधा कृष्ण मूर्ति हो, कहीं कृष्ण जगन्नाथ जी का मूर्ति हो, उनका विग्रह हो, वहीं पर ही भजन गाया जाए। हमारी उड़ीसा में अभी नियम है, इसी भजन के ऊपर में बड़ी सुंदर नृत्य दिखाते हैं उड़ीसा में। किसको सामने? वहाँ जगन्नाथ जी की तस्वीर, नहीं तो जगन्नाथ जी की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति रखा जाएगा तभी ये भजन को गाएंगे, नहीं तो उड़ीसा में भजन नहीं गाते। क्योंकि भगवान कहीं भी ये भजन होना, ठाकुर जी भाग भाग करके जाते हैं वहाँ पर। इसलिए आप अगर आप भी चाहते हो तुम्हारे घर में ठाकुर जी आए ना, रोज ये भजन को गाया करो। कौन गाएगा? रोज गाओगे? कौन कौन गाएगा? हाँ, ये भजन को लिख करके ले लेना, नहीं तो हम मंदिर में पुस्तक मिलता है, ले लेना उसको भजन को। ये गीत गोविंद का ग्रंथ का ये भजन है, इसलिए आप मेरे पीछे पीछे सब सब गाओ। बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, बोलो जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। आगे कृष्ण जय जय देव हरे, जय हरे कृष्ण गोविंदा, जय जोदा दुलाला, जय जय देव हरे। भजन में कितने सुंदर है, कहते अभिनव जलधर सुंदर है, ध्रुत मंदर है। ठाकुर जी का रंग कैसे है? कहते जैसे नया मेघ है ना आकाश में, जो मेघ का जो रंग है कृष्ण का रंग ठीक वैसे। बोले ये मेघ को साथ में उदाहरण क्यों दिया? कहते जो मेघ है ना, ये मेघ रूप कब धारण करता है? जब जल इकट्ठा हो जाता है तभी ये मेघ रूप धारण करता है। इसलिए जल का एक नाम कृपा, जैसे प्यास फट रहा है तुम्हारी प्यास से, एक ग्लास पानी दे दे, क्या होता है? पानी पी कर क्या होता है? हृदय तुम्हारी शांत हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। इसलिए जल का एक नाम कृपा है। इसलिए कृष्ण का रंग कैसे? जल जब घनीभूत अवस्था धारण करता है, वो कौन सा रूप धारण करता है? ये मेघ रूप। मतलब कृष्ण क्यों, कृष्ण का रंग ये काला रंग क्यों है? कारण है जो कृष्ण है, कितना है कृष्ण करुणा सिंधु, जो भगवान कृष्ण ये कृपा की सिंधु है। इसलिए कहते अभिरव जलधर सुंदर है, ध्रुत मंदर है। जब समुद्र मंथन हो रही थी, जब मंदराचल पर्वत नीचे जा रहा था, ठाकुर ने कुर्म अवतार धारण करते हुए उन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण किए। इसलिए कहते श्री मुख चंद्र चक्र, उदाहरण दिया। कहते एक चक्र होता है कि चिड़िया, कहते उसका प्राण किया बोले चंद्रमा, वो चंद्रमा का किरण को पान करता रहता है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं श्री कृष्ण चंद्र राधा रानी की जो मुख है, जैसे चंद्रमा जैसे राधा रानी का मुख है। इसलिए कृष्ण जब राधा रानी को मुख को दर्शन करते हैं ना, कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
कृष्ण राधा जी की सौंदर्य को देख करके जैसे मानो राधा रानी का मुख जैसे चंद्रमा जैसे एक चक्र होता है, वो चंद्रमा का किरण को पान करके तृप्त हो जाता है, कृष्ण उसी तरह चक्र बन करके राधा रानी के मुख चंद्र को दर्शन करके कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये भजन जगन्नाथ जी को बड़ी प्यारा भजन है जगन्नाथ जी की। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे सुंदर गोपाल प्रभु सुंदर गोपाल प्रभु बोल रहे हैं, अभी ये भक्त लोग दाल बाट चूरमा खा कर के आए, पेट में पड़ा हुआ है बहुत, ये हैवी है अभी पेट में ये पड़ा हुआ है, और रात को बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बन रहा है, अगर इनका पेट में हजम नहीं होगा ना रात में कोई प्रसाद वाले नहीं आएंगे, इसलिए प्रभु जी कहते हैं तो खड़े करके नचवा दो करके दाल बाट चूरमा में हजम हो जाए, इसलिए एक बार खड़े हो जाओ नाच लो, इसको थोड़ा सा भाव से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे गोपाल श्री राधे मैं श्री राधे,
कुछ कुछ माताओं को देख रहे पेड़ जैसे खड़े हैं। देखो ये भागवत में ना, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो भागवत का श्लोक है बोले ध्रुव जन्म भाजो। ध्रुव मतलब होता है वृक्ष। कहते ये सबके सब पेड़ क्यों बने, ये भागवत कह रहा है। सुत गोस्वामी कहते भगवान जिनको इंसान का जीवन दिया, लेकिन शादी में तो बोतल में पी पी करके, शराब पी पी करके मेन रोड में तो खूब नाचे, लेकिन जब ठाकुर का कीर्तन हुआ ना पेड़ जैसे खड़े रहे। ठाकुर जी बोले अगली जीवन में तेरा पेड़ जन्म दे दूंगा, क्योंकि तुमने शादी में तो खूब नाचे पी पा करके, लेकिन मेरे जब कीर्तन हुआ तुमने नाचे ही नहीं, इसलिए तो इंसान जीवन पाने का लायक ही नहीं, ये भागवत कहता है। इसलिए इस शब्द से पेड़ हुए हैं। इसलिए भैया अगर पेड़ पाना तो जन्म पाना तो नाचना है, और जिसको पेड़ जन्म नहीं लेना सबको नाचो, ठीक है। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि
एक बार हाथ उठा के निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल छलांग लगा कर कौन ये आकाश को छू सकता है। देखो सब दाल बाटी चूरमा से हजम हो जाएगा। फिर तो ज्यादा भूख लगी पर शाम को प्रसाद है। हाँ जोर से कुछ तो माता है तो पेट जैसे खड़ी है। हाँ समझे साहब, मैंने दो दिन पहले बोला था जो नाचेगा नहीं तो कमरे में पानी आएगा नहीं। आज कृष्णा गुटी में किसी कमरे में सुबह पानी आया नहीं, इसलिए नाच लो कल नहीं आया तो हमें मत बोलना। हाँ हरे कृष्णा हरि वो का तो फ्री में हो जाता है। तो तीन दिन तक तो वहाँ जाती रही। जब चौथे दिन गई ना तो वहाँ भागवत कथा चल रही थी, तीन दिन आखिरी के बचे थे। जब चौथे दिन गई तो पूरा मठ खाली कोई है ही नहीं। बोलो वो एरोबिक्स क्लास बंद हो गई क्या? तो फ्री का एरोबिक्स मिल जाता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ये जो स्थान है जहाँ पे हम आए हैं गुरुड़ गोविंद, बिल्कुल सामने ही छठी करा है। तो यहाँ पे दो लीलाएं हैं, पहली छठी करा की लीला, फिर हम सुनेंगे गुरुड़ गोविंद जी की लीला। ब्रजवासी पहले रहते थे गोकुल महावन में जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, लेकिन जब 4 साल हो गए वहाँ पे, लगभग प्रायः 4 साल, तो एक दिन सब ब्रजवासियों ने बैठ के एक बैठन बिठाई। उसको बोलते हैं जहाँ जहाँ पे ब्रजवासी बैठ के मीटिंग करते थे उसको बोलते थे बैठन। उस बैठन में जितने वृद्ध गोप थे जो पुराने गोप थे सब आए और नंद महाराज जी को भी बुलाया गया, क्योंकि नंद महाराज जी कौन है, ब्रज के राजा है। और सारे गोपों ने मिलके नंद महाराज जी को बोला कि देखो कृष्ण का जो जन्म है बड़े ही सुंदर नक्षत्र में हुआ है, रोहिणी नक्षत्र था, तो कृष्ण का सौभाग्य तो अनंत है और नंद महाराज जी आपका सौभाग्य भी अनंत है। यशोदा मैया का भी बहुत महाभाग्यवान है। और गर्गाचार्य जी तो जब कृष्ण का नामकरण संस्कार करके गए थे तो गर्गाचार्य जी ने बोला था नारायणो सम गुणा, कि आपका पुत्र तो गुणों में नारायण के समान है। जब आपका भाग्य अच्छा है, पुत्र का भाग्य अच्छा है, माँ का भाग्य अच्छा है, और ऋषि ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया कि आप सब बहुत माँ भाग्यवान हो, तब भी हमारे ऊपर इस प्रकार से संकट क्यों आते हैं? कभी पूतना आ जाती है,
अभी पूतना गई तो उसके थोड़े दिनों बाद कौन आ गया, शक्तासुर आ गया, फिर त्रिणावर्त आ गया, और अभी ही क्या हुआ, यमन अर्जुन के वृक्ष भी कृष्ण के ऊपर गिर गए। भाई पहले तो असुर बाहर से आते थे, अब तो अपने ही कुल अपने ही आंगन के वृक्ष भी कृष्ण के ऊपर गिरने लग गए हैं। तो उस लीला के बाद सारे ब्रजवासियों ने बैठ के मीटिंग करी दाम बंधन लीला के बाद, और बोले कि अब हमने इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं कि जितना भी दोष है वो सारा स्थान का ही दोष है, मानो कि इसी स्थान का ऐसा दोष है, इस कारण से क्या हो रहा है, कृष्ण के ऊपर बार बार संकट आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि अब हम इस गोकुल महावन को छोड़ के किसी और वन में जाएंगे। तो नंद महाराज जी कहते हैं कि जब आप सारे गोपों ने मिलके ये विचार कर ही लिया है कि आप लोग गोकुल महावन नहीं रहना चाहते, आप लोग किसी और स्थान में जाना चाहते हो, मैं राजा हूँ लेकिन राजा बिना प्रजा के तो चलता नहीं है, तो जो आप लोग बोलोगे वही मैं मानूंगा। तो सारे लोग मिलके नंद महाराज जी के साथ बैठन में ये निश्चय करते हैं कि यहाँ पे कृष्ण के ऊपर अनेक अनेक संकट आ रहे हैं, इसलिए अब हम गोकुल महावन को छोड़ के किसी और वन में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? तो नंद महाराज जी जब पूछते हैं कहाँ पे जाएंगे, तो कुछ गोप बोलते हैं कि हम लोग वृंदावन जाएंगे, क्योंकि वृंदावन गोकुल महावन से ज्यादा दूर भी नहीं है, और वृंदावन में हमारी जितनी भी गैया है, लाखों लाखों गैया है ब्रजवासियों के पास, जब नंद बाबा के पास ही 9 लाख गैया है तो सोचो बाकियों के पास कितनी और गैया होंगी। तो हम सबको अपनी गैयाओं के चरने के लिए बड़े सुंदर सुंदर वन उपवन चाहिए, और वृंदावन में बहुत सारे वन है, उपवन है, निकुंज है। एक होता है वन और एक होता है उपवन। जैसे वृंदावन वन है, उसके अंदर 24 उपवन है जो छोटे छोटे वन होते हैं, बहुत सारे निकुंज है, बड़ी सुंदर वहाँ पे यमुना बहती है, तो हमें जल की भी कोई चिंता नहीं है। और हम सब तो ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी क्या करते हैं, गोप कुल में जन्म हुआ है, सारे गोप हैं, तो जहाँ पे उनको अपनी गैयाओं के लिए अच्छी सुंदर घास मिलती है वहीं पे ही वो लोग जाते हैं। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम गोकुल महावन छोड़ के कहाँ पे आएंगे, वृंदावन आएंगे। उसी प्रकार से कुछ समय के लिए फिर आगे नंदगांव जाते हैं, कामा जाते हैं, ब्रज के अनेक अनेक स्थानों पे ब्रजवासी कुछ कुछ वर्ष रहे हैं। तो जब सब लोग इस निश्चय करते हैं कि अब हमें जाना है वृंदावन, तो वहां पे कोई एक गोप बोलता है, अरे हमें पहले कंस की आज्ञा तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंस ही हमारा राजा है। तो नंद महाराज जी बोलते हैं कि वो राजा है लेकिन उसको तो केवल कर से मतलब है, और गाय क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी उसका तो हमें देखना है, कंस को तो देखना नहीं। तो जिस स्थान पे हम जाना चाहें, जिस स्थान पे हमारे को अपनी गाय के लिए हरी घास मिले, हम उसी स्थान पे जाएंगे। हमें राजा को केवल कर देना है, हमें ये उससे आगे लेने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। इसलिए हम सब लोग अब कहाँ पे चलेंगे, वृंदावन जाएंगे। तो जितने भी ब्रजवासी हैं वृंदावन जाने के लिए बड़ी ही सुंदर तैयारी करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारी बैलगाड़ियां सजाते हैं, और जब एक एक बैलगाड़ी सजाई जाती है, बैलों के जो श्रृंग है उसके ऊपर बड़ा सोने का श्रृंगार करते हैं, बैलों के जो खुर होते हैं उसमें बड़े सुंदर चांदी के कड़े बांधे जाते हैं, और उसके पीछे बहुत बैलगाड़ी के पीछे जो शकट होता है, शकट क्या होता है, बैल जो चलता है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है जिसमें सब ब्रजवासी लोग बैठेंगे, घर का सामान रखेंगे, जो गाड़ी होती है उसको बोलते हैं शकट। तो वहाँ पे बहुत सारी बैलगाड़ियाँ सजाई जाती हैं, और उन बैलगाड़ियों के पीछे जो घर बने हुए हैं उसके ऊपर बड़ा सुंदर चांदुआ लगाया जाता है कि जब कृष्ण और अन्य गोप उसमें बैठ के जाएंगे तो ऊपर से धूप ना गिरे। और सारे ब्रजवासी अपना घर का सारा सामान ले लेके बैलगाड़ियों में सजाना शुरू करते हैं, सारी गैयाओं को इकट्ठा करते हैं और चल पड़ते हैं किस ओर, वृंदावन की ओर। जब गोकुल महावन से वृंदावन की ओर चलने लगते हैं तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि गैया कहाँ पे चलेगी, गैया बैलगाड़ी के आगे चलेगी या पीछे चलेगी। तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आगे चलेगी तब भी मुश्किल, पीछे चलेगी तो कौन देखेगा, इसलिए सारी गैयाओं को बैलगाड़ी के संग में ही लेके चलेंगे। तो एक तरफ तो पूरी बैलगाड़ी की पंक्तियां हैं और उसके बाएं और सारी गाय की पंक्ति है, मानो एक सफेद नदी बह रही है और एक गंगा और एक यमुना बह रही है, इतनी सारी गैया हो जाती है, करोड़ों करोड़ों गैया, देखने से ऐसे लगता है कि साक्षात गंगा ही प्रकट हो गई। और जब कृष्ण बलराम जी के साथ बैठ के बैलगाड़ी में चल रहे होते हैं, रास्ते में मैया से पूछते हैं, मैया हम कहाँ जा रहे हैं, मैया बोलती है हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि हम वापस घर कब लौटेंगे, मैया बोलती है घर क्या लौटेंगे, घर तो हमारे साथ ही चल रहा है क्योंकि सारी बैलगाड़ियों में ही सारा सामान चल रहा है। कृष्ण कहते हैं अच्छा हाँ हाँ मैया तू सही कहती है, ये देख ये सारे पेड़ भी तो हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भी छोटे से बालक है, देख रहे हैं पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं। अच्छा मैया ये बता क्या वृंदावन में यमुना नदी मिलेगी क्या, यहाँ पे तो मैं यमुना में बहुत सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करता हूँ। तो मैया बोलती है हाँ हाँ वहां पे भी यमुना नदी है।
तो कृष्ण और बलराम जिस शकट में बैठे हैं, जिस बैलगाड़ी में, उसमें रोहिणी मैया, यशोदा मैया और कृष्ण और दाऊद दोनों छोटे बालक है बैठे हैं। जैसे ही कृष्ण ये सुनते हैं, अरे वाह वहां पे भी यमुना जी है, तो दाऊ जी को देख के ऐसे भ्रूकुटी करके हंसते हुए बोलते हैं, देख देख भाई वहां पे भी क्या है, यमुना है। अरे मैं तो सोचता था ब्रज में एक ही यमुना है, हमारे ब्रज में तो दो दो यमुना है। मैया बोलती है, अरे चुप, तेको इतना नहीं पता, वो एक ही यमुना है, उसकी बहुत सारी धाराएं होती है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर कृष्ण पूछते हैं, मैया एक बात बता, हम जा क्यों रहे हैं वृंदावन, ऐसा क्या है जो हमको गोकुल में नहीं मिला और हमें वृंदावन में मिलेगा। तो मैया कृष्ण को बोलती है, वहां पे बड़े सुंदर सुंदर तुम्हें खिलौने मिलेंगे जो तुम्हें कभी गोकुल में मिले नहीं। इसको जैसे ही सुनते हैं कृष्ण मैया की गोद से एकदम उठ जाते हैं और दाऊ जी की गोद में जाके बैठ जाते हैं और दाऊ जी की गोद में बैठ के उनके गालों को छेड़ना शुरू करते हैं। और दाऊ और कृष्ण दोनों छोटे बालक हैं, एक दोनों को देख के दोनों हंसना शुरू करते हैं कि हमें वहां पे क्या मिलेगा वृंदावन में, खिलौने खेलने को मिलेंगे। फिर मैया से पूछते हैं, अच्छा मैया ये बता, ये कौन सा वृक्ष है सामने जिसके पत्ते इतना झड़झड़ करके हिल रहे हैं। माता बोलती है, अरे लाला ये पीपल का वृक्ष है। थोड़ा और आगे चलते हैं, मैया ये कौन सा वृक्ष है जिसकी इतनी लंबी लंबी शाखा लटकी हुई है। अरे बेटा ये वट वृक्ष है। थोड़ा और आगे, अरे ये कौन सा वृक्ष है जिसके करोड़ों गोल गोल अंडे अंडे इसमें सारे फल है। अरे ये गूलर का वृक्ष है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो वहां पे देखते हैं बहुत सारे मृग हैं। तो पूछते हैं, छोटा बच्चा होता है ना, मैया से पूछते हैं, मैया ये क्या है ये क्या है। तो पूरी नर्वत लीला, अरे मैया ये कौन सा प्राणी है। माता बोलती है, ये कौन है, ये मृग है जिसके इतने लंबे लंबे सिंग है, सिंग में भी अनेक प्रकार की शाखाएं होगी हुई है। अच्छा माता ये कौन सा पक्षी है जो कुहू कुहू करता है। अरे लाला ये कोयल है। फिर आगे जाके, अरे ये कौन सा पक्षी है जिसके इतने सुंदर सुंदर पंख है। अरे ये मयूर है। इस प्रकार से करते करते संध्या हो जाती है। जब कृष्णा आ रहे थे उन्होंने पूछा, मैया ये कौन सा जानवर जिसके शरीर में बड़ी सुंदर चित्रकारी। बोले ये हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग है और दूसरा का सींग है नहीं। बोले मैया ये क्या है। बोले लाला जिसका सींग है ना ये पुरुष है। बोले मैया जिसका सींग नहीं, बोले इसकी बहू है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया ये कौन सा चिड़िया बड़ी सुंदर चित्रकारी। बोले लाला इसका नाम मोर है। बोले मैया एक का तो पूछ और एक का पूछ नहीं। बोले मैया ये क्या है। बोले जो पूछ है ना ये पुरुष है और जिसका पूछ नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक एक दूसरे को क्या लगती है। बोले ये जो बिना पूछ के ये पूछ वाली की बहू लगती है। बोले मैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ है। इसलिए मैया मेरे ताई भी एक बहू ला दे, एक बहू सुंदर। ये ब्रज में बड़ी सुंदर भी एक कीर्तन है, मैया मेरे को एक सुंदर बहू ला दे, मेरे से छोटी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, मान कर तो मेरे को मना ले और थाली भर भर कर खिलाए हैं। बड़े सुंदर कृष्ण भी एक बड़े सुंदर भजन भी गाते हैं। इतने में कृष्ण इतने मचल गए, बोले मैया मेरे लिए भी एक बहू ला दे। बोले लाला कोई चिंता मत करो, जब वृंदावन चलोगे ना तेरे लिए भी एक बहू ला दूंगी। बोले नहीं मेरे को यही बहू चाहिए, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। कृष्ण एकदम मचल गए, मेरे को अभी बहू चाहिए। इतने में जितने बड़ी बड़ी गोपियां थी ना अपना घूंघट को उतार करके बैठी गई। बोले बोलो जिसको वो छांट ले, इनके अंदर में जो बहू चाहिए छांट ले। इतने में कृष्ण जाकर बोली ये मेरी बहू है। बोला तेरी बहू अभी तो चलो। कृष्ण फिर ये वृंदावन कृष्ण फिर आते। यहाँ तक छठी ग्रह तक पहुंचते हैं तो आज भी गोकुल मावन और वृंदावन के बीच में यमुना बहती है, इसलिए हमें पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो जब यमुना के तट पे पहुंचते हैं संध्या हो जाती है। जब संध्या हो गई तो संध्या के समय सारे के सारे ब्रजवासी वहीं पे ही अपनी बैलगाड़ियां रोक देते हैं और बड़े सुंदर सुंदर घर से तंबू लेके आए थे और पूरे तंबू सज जाते हैं, मानो पूरा ही एक नगर बस गया। जब वहां पे रात के समय कुछ व्यापारी भी थे और व्यापारी क्या करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर वहां पे अपनी दुकानें खोल लेते हैं, कुछ नाट करने वाले, गार्तन नृत्य करने वाले, गाने वाले, और बड़ी ही सुंदर संध्या के समय शोभा होती है, बहुत सारे दीप जला दिए जाते हैं और वहां पे रात्रि के समय सब लोग विश्राम करते हैं और सुबह फिर यमुना पार करके कहाँ पे जाएंगे, सुबह यमुना पार करके फिर सीधा पहुंचेंगे वृंदावन। अब जब सुबह यशोदा मैया उठती है तो माता उठती है और कृष्ण को उठाएंगी, लेकिन कृष्ण को उठाने से पहले क्या करती है, दही मंथन करती है कि लाला को कुछ खिलाना है। इसलिए ब्रज में जब भी कुछ गोपियां काम करती है सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करती है, माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो, द्वार खड़े ग्वाल बुला रहे हैं,
गोविंद दामोदर माधवेति। माता भी जब यशोदा कृष्ण को उठाती है तो कैसे उठाती है? गोविंद दामोदर माधवेति। लेके करो में दोहनी अनोखी, गो दूध काढ़े अबला नवेरी। गो दूध सारा संग गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। यहाँ तक कि कोई दो गो दोहन भी करती है तो क्या करती है? गोविंद दामोदर माधवेति। कोई अब नई अवेली नवेली आई है, अपने पति को उठाती है तो पति को कैसे उठाती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। पति को जब खाना खिलाने के लिए देते हो घर में तो क्या बोलना चाहिए? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गुरुदेव बोलते थे जब गोपियां पति से लड़ती भी है तो लड़ते समय भी क्या बोलती है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए गाड़ी में बस में कभी लड़ाई हो ना तो क्या बोलना? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। 8 दिन बाद पति फोन करके बोलेगा हो तो गए 84 को सब आजा, तो उसको क्या बोलना? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, अगर हम पैसे मांगे तो हमें क्या बोलना? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देवी प्रभु सबसे गाड़ियों के पैसे ले रहे हैं, जब पैसे लेने आए तो क्या बोल देना? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो वहां पे सुबह मैया कृष्ण को उठाती है, अब नदी पार करनी है। जब नदी पार करनी है तो नदी पार कैसे करें? तो वहां पे जो गैया है, गैया तो यमुना पार करके चली जाती है, और जब गैया यमुना पार करके जाती है गैया के पीछे बछड़े खड़े हैं। जो बछड़े खड़े हैं वो देखते हैं, अरे हमारी माँ तो हमें छोड़ के भाग के जा रही है। तो कुछ बछड़े थे वो भी क्या करते हैं? पीछे पीछे मैया के भाग जाते हैं और मैया से भी तीव्र गति से आगे चले जाते हैं। और आगे जाके पीछे मुड़ के देखते हैं तो मानो गाय सांत्वना दे रही है, हाँ हाँ तुम नदी पार करो, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे बछड़े भी थे जो डर जाते हैं, नदी पार नहीं कर पाते। तो ब्रजवासी क्या करते हैं, कुछ जो गोप थे अपने ही कंधे पे बछड़ों को चढ़ा के एक हाथ से बछड़ों के दोनों उसको चरण को पकड़ के और एक हाथ से नदी पार कर करके इस पार यमुना के पार वृंदावन में सब गाय और बछड़ों को लेके आते हैं। अब बैलगाड़ी कैसे आए? उतने में ही क्या होता है, भगवान कृष्ण की योग माया के प्रभाव से वहां बड़ी सुंदर सुंदर नाव आ जाती है। ये इतनी सुंदर सुंदर नाव आ जाती है जिस नाव मानो वो नाव अपने आप में ही एक राजभवन हो। उस नाव के अंदर सारी की सारी बैलगाड़ियां घुस जाती है और जितने में कृष्ण उसकी शोभा देखते हैं उस नाव की, उतने में ही इस पार से उस पार भी आ जाते हैं और फिर यहाँ पे वृंदावन में आते हैं। तो बताया ये जो छठी करा है, ये छठी करा क्या है? यहाँ पे जब सब बैलगाड़ियां आई थी तो शटक आकार में अर्धचंद्रकार में सारी बैलगाड़ियां खड़ी हुई थी, इसलिए इसका नाम हो गया छठी करा। और आज भी वृंदावन जाने का जो राजमार्ग है वो क्या है? छठी करा से ही है। और ये है गरुड़ गोविंद। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ कई बारी खेल में पराजित हो जाते हैं। जब खेल में पराजित हो गए तो पराजित होने के बाद अब कृष्ण को बनना पड़ेगा घोड़ा और सुबल उसके ऊपर बैठेगा। तो कृष्ण कहते हैं, अरे तू मेरे ऊपर बैठेगा क्या? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ। बड़े बड़े ब्रह्मा शिव महेश से मेरी वंदना करते हैं। मैं ही राम के रूप में आया था, मैं ही शिव और नरसिंह कितने कितने रूप में आया हूँ, कुरु वर आदि इतने मैंने अवतार लिए हैं, तू मेरे ऊपर बैठेगा क्या? तो सुबल कहते हैं, अच्छा तू भगवान है? हाँ हाँ मैं भगवान हूँ। तो वहां पे सुबल अपने सारे दोस्तों को बुलाता है, बोलता है कि देखो आज से हम कृष्ण के साथ खेलेंगे नहीं, क्योंकि ये कौन है? ये तो भगवान है। तो भगवान खेलता है क्या? और देखो आज से हम इसको माखन मिश्री लड्डू पेड़े कुछ भी नहीं खिलाएंगे, क्यों? भगवान क्या ये सब चीजें खाता है क्या? और उसको अलग करके सारे सखा आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। अब कृष्ण यहाँ पे बेचारे अकेले बैठे हैं, तो भागे भागे वापस आते हैं, कहते अच्छा अच्छा मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर बैठो तो सही, मुझे छोड़ के कहाँ जाते हो? सखा बोलते हैं, नहीं नहीं तू तो भगवान है, अरे तेरे साथ खेलेंगे तुम्हारा अपराध हो जाएगा, नहीं नहीं तू दूर जा, हम तो अपना अलग चले। तो भगवान उनके सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं तो नंद का पुत्र हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। तो कृष्ण कभी भी अपने आप को भगवान यहाँ पे नहीं मानते। और मानो गुरुदेव बोलते थे कृष्ण अगर मान भी ले कि मैं भगवान हूँ और सारे ब्रजवासी मान भी ले कृष्ण भगवान है तो कृष्ण डर जाएंगे,
कृष्ण को डर लगता है कि अगर मैया को पता चल गया मैं भगवान हूँ तो मैया मुझे क्या करेगी। जैसे इस जगह सब लोग करते हैं, घर में लड्डू गोपाल रख देते हैं, सुबह मिश्री का भोग लगाया, बाकी पूरे दिन आरती करके जयराम जी की, तो मैया भी मुझे क्या करेगी, मंदिर में रख देगी, सुबह मिश्री का भोग लगाएगी, आरती करेगी और जयराम जी की सखा भी यही करेंगे। इसलिए कृष्ण को डर लगता है कहीं ब्रजवासी को ये पता ना चल जाए कि मैं भगवान हूँ। तो वहां पे इनकी इतनी सुंदर सखी लीला है। एक दिन कृष्ण और श्रीराम, तो कृष्ण के सखा बोलते हैं, अरे तू बार बार बोलता है भगवान है, कोई प्रमाण है क्या? तो यहीं पे ही भगवान कृष्ण ने 12 भुजाएं धारण करी थी। यहाँ पे जो आप गोविंद जी के दर्शन करके आए हैं उनकी 12 भुजाएं हैं। उतने में ही क्या होते हैं, उनके जो सखा है श्रीराम वो गरुड़ का रूप धारण कर लेते हैं और कृष्ण उनकी पीठ पे बैठ के यहाँ पे बड़ी ही सुंदर फिर गरुड़ गोविंद की लीला होती है। इसलिए स्थान का नाम हुआ गरुड़ गोविंद। और यहाँ पे भगवान के चरणों में लक्ष्मी और सत्यभामा भी है। और यहीं पे ही अगर किसी को काल सर्प योग होता है तो यहीं पे लोग आते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बहुत ही ब्रज का सिद्ध स्थान है। आसपास के सारे गांव के लोग यहाँ पे हर प्राय दिन ही उत्सव होते रहते हैं। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान की जय। भैया महाराज जी से कल हम लोग सबसे पहले जाएंगे खदीर वन के बाद हमारी परिक्रमा जाएगी जावट, जहाँ पे राधा जी का विवाह हुआ है अभिमन्यु जटीला कुटीला। उसके बाद जावट के बाद हम लोग जाएंगे कोसी कोकिला वन। कल की परिक्रमा बड़ी है तो आप लोग जल्दी से बस में उतर के जल्दी बस में बैठ जाना। कुछ मार्केटिंग शॉपिंग वो सब उसमें समय मत लगाना, आज जल्दी आ गए, जो मार्केटिंग करनी है शाम को कर लेना वृंदावन में। और उसके बाद हम लोग कोसी के बाद हम लोग जाएंगे फिर सीधा नंदगांव। और नंदगांव में जब हम पहुँचेंगे तो नंदगांव में बहुत सारे दर्शन हैं। वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे टेर कदम के बाद हम ऊपर जाएंगे नंद महाराज जी के महल में मंदिर में। फिर वहाँ से नीचे आने के बाद हम देखेंगे कि कितना समय हमारे पास बचता है। जितना समय बचेगा उसके अनुसार हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से दर्शन करने हैं। उद्धव क्यारी भी जाएंगे, नंद बैठक भी जाना चाहते हैं, आगे वहाँ पे पानीहारी कुंड है वहाँ भी जाना चाहते हैं। ये सब समय के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ बिलाव भी है, तो ये सब समय के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी हम लोग फ्री होते हैं और कितनी जल्दी हम सब लोग बसों में बैठ के अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ देखो, ये जो परिक्रमा है ना, ये 1.5 महीना की परिक्रमा है। एक बल्लभ कुली, ये लोग रोज करीब करीब 15-20 मील ये पूरा 1.5 महीना तक चलती है। सवेरे जल्दी जल्दी उठ करके ये करीब 5 बजे से चलना शुरू कर देती है, करके कम से कम एक एक दिन 15-20 किलोमीटर चलती हैं, तभी जा करके 1.5 महीना में ये परिक्रमा को पूरी करती हैं। यहाँ पर तो थोड़ी सी बस में नहीं तो गाड़ी में थोड़ी दिक्कत हो जाए तो फिर, और जानते हो वो कैसे रहती है, पायखाना पे कुछ नहीं, ठंडा पानी में नहाना और बाहर जाकर बोतल में पानी लेकर के पायखाना करते हैं, जाते हैं शौचक्रिया कर, तंबू का अंदर में रहते। अब सोच नहीं सकते इतने कठिन से परिक्रमा करते हैं। हम भी गुरु जी के साथ में पहले ऐसे ही परिक्रमा की, पूरा ब्रजमंडल में हैं, हर जगह पर 4-4, 5-5 दिन रुकते थे, बोतल में पानी लेकर के जंगल में शौचक्रिया करने के लिए जाते थे, तालाब में नहा लेते थे जैसे पानी हो, मतलब ऐसे। इसको जो 9 तरह का जो भक्ति में एक भक्ति पाद सवनाख्य भक्ति है, हाँ, जिसको श्री प्रह्लाद महाराज कहते हैं, 9 तरह का भक्ति में जो जो ब्रजमंडल परिक्रमा जैसे पैदल में हम चलते हैं ना, इसको कहते हैं ये कौन सा भक्ति है, पाद सवनाख्य भक्ति, पैर में चलते हैं। इसलिए भगवान सब कुछ देख रहे हैं, कितने आप कष्ट कर रहे हो, हमारे अंदर में तो कोई कष्ट नहीं, रोज रोज क्या दाल बाटी चूरमा रोज खा रहे हो और बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिल रहा है और घर में भी अच्छे, हाँ थोड़ी सी लगता है इस बार थोड़ा व्यवस्था गर्म पानी के लिए थोड़ा नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार जहाँ जहाँ बोले थे गर्म पानी देने के लिए उन लोगों ने ठीक से नहीं किया, लेकिन अगली बार जो परिक्रमा होगी, प्रभु जी कह रहे थे हम कोशिश करेंगे हर घर में गर्म पानी होनी चाहिए, अगली बार हम अच्छे तरह से इससे भी और अच्छे तरह से व्यवस्था करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग जो परिश्रम कर रहे हो, समझो 1.5 महीना की परिक्रमा को, अभी अभी हम हमारी परिक्रमा विश्राम हुई ना, उसको बाद में हम लोगों ने 1 महीना 10 दिन परिक्रमा लगाई पूरा ब्रजमंडल, लेकिन आप इतने परिक्रमा को कितने दिन में पूरी कर रहे हो, 7 दिन में ये परिक्रमा को पूरी कर रहे हो। इसलिए थोड़ी थोड़ी जल्दी अगर आप लोग उठ करके गाड़ी में बैठ जाओगे, फिर हम कोशिश करेंगे जितने से जितने दूर हो सके भगवान की लीला स्थलियों को दर्शन कराने के लिए।
जैसे समय होगा समय का अनुरूप कोशिश करेंगे आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। अगर थोड़ी सी इधर उधर अगर भूल त्रुटि हो ना वो चीज को लेना नहीं है। सुंदर गोपाल ये बोला था देने के लिए ये नहीं दे पाया ये नहीं दे, ये चीज को नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ये जो हरि कथा हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे, अभी आप लोग जो हरि कथा सुन रहे हो ना, आप और किसी परिक्रमा में जाओ, किसी परिक्रमा में और लोग भी 84 करोड़ से परिक्रमा लगाते हैं, कहीं आप लोग गए होंगे, गए देखा, चलो गाड़ी में बैठो, कोई हरि कथा परिकथा से कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जगह भले ही कम हो लेकिन वहाँ की महिमा को आप लोग समझो, क्यों हम यहाँ पर आए, ये स्थान की क्या महिमा है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे धाम को आंखों से मत देखो उसको कानों से देखो। इसलिए गुरु जी कहा करते थे आपको तो इतना फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं लेकिन हम ये बता सकते हैं, हम आपको जितने ये हरि कथा जो हरि कथा आपको दे रहे हैं ये पृथ्वी में कहीं भी ये हरि कथा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु जी ये बात को कहते थे। इसलिए आप लोग अंदर में भी कहीं कहीं आप गए होंगे परिक्रमा में कहीं, लेकिन ये सब कथा कहीं नहीं सुनोगे, कहीं नहीं सुनोगे। इसलिए और ऐसे प्रसाद प्रभु तो जितना दूर हो सके कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया आपको प्रसाद देने के लिए। इसलिए थोड़ी इधर उधर हो तो मन खराब नहीं करना और आनंद से परिक्रमा करना, ठीक है। बोले श्री गौरव गोविंद भगवान की। इसलिए कल कोशिश करना जो नंदगांव थे तभी जा करके सारे दर्शन हो पाता था, लेकिन और जो परिक्रमा उसको भी 2-3 दिन, लेकिन 5-7 दिन का परिक्रमा आप एक दिन में करोगे। इसे जितना जल्दी जल्दी चलोगे उतना उतना दर्शन आओ कर पाओगे, ठीक है। बस ही वृंदावन भी